सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई माइनक्राफ्ट वर्ल्ड टूर पार्ट 3। तो भाई आपने नोट करा होगा यार, मैंने एक हफ्ते से एक भी वीडियो नहीं डाली। तो उसका रीज़न क्या था कि मैं कहीं गया हुआ था और ऊपर से मेरे को इसमें बहुत सारी चीज़ें भी बनानी थी। तो भाई इसकी वजह से मेरे पास टाइम नहीं रहा कि मैं वीडियो बना सकूं, और मैं कहीं गया था और वहाँ पे थोड़ा नेट की इशू थी भाई। तो अभी सही हो गई सारी इशू और मैं अभी भी वहीं पे हूँ, पर घर आने के बाद मैं रेगुलर अपलोड करूँगा वीडियो। तो आप पहली चीज़ देख सकते हो, पूरा आयरन चेस्ट, और अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक अगर आपको डाउनलोड करना है वर्ल्ड, तो देख सकते हो भाई इतना सारा आयरन। मैंने गलती से ऊपर अपना फूड रख दिया, तो पहले इसको नीचे कर देता हूँ। हाँ, तो देख सकते हो इतना सारा आयरन है। और दूसरी चीज़ है मेरी टोटम ऑफ अनडाइंग कलेक्शन, तो इतना सारा देख सकते हो, क्योंकि मैंने यार ऑब्वियसली सी बात है, मैंने रेड करवाई थी, बहुत ज़्यादा रेड करवाई थी अपने विलेज पे। क्योंकि होता क्या है ना, जब नेट नहीं होता ना माइनक्राफ्ट में, तो मेरे को ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करनी नहीं थी, और मैं तब ऐसे ही खेल रहा था मज़े के लिए, और मतलब अपने एंटरटेनमेंट के लिए ना। मैं यूँ नहीं चाहता था कि मैं आपको वीडियो दिखाऊं। फिर मेरे को याद आया यार, मेरे को वीडियो भी तो डालनी है यार, क्योंकि उस पर मेरे को व्यूज़ दिखे, और मेरे को लगा यार तुम्हारे लिए वर्ल्ड को अपडेट करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा अपडेट करी है। तो तीसरी चीज़ है भाई, मैंने यहाँ से ना काउ फार्म ना डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि वो सही नहीं लगता था यार, बहुत जगह घेरता था, ऊपर से वो काम भी नहीं करता था, तो इसलिए सही नहीं लगता था मेरे को, और ऊपर से उसमें से काऊ भी चली गई थी। और शुगर केन फार्म भी मैंने तोड़ दिया था, क्योंकि भाई ये ना 1.17 में वर्क नहीं करता, आप चेक भी कर सकते हो कहीं पे भी, क्योंकि वन टिक फार्म जो भी होते हैं ना, जीरो टिक फार्म, वो वर्क नहीं करते शुगर केन फार्म और बाकी जो भी जीरो टिक होते हैं, वो भाई इसमें वर्क नहीं करते 1.17 ने, क्योंकि यार माइनक्राफ्ट वालों ने उसको फिगर आउट कर दिया। और दूसरा शुगर केन फार्म देख सकते हो, ये मैंने ऐसी मजे में बना दिया, इसका कुछ ज़्यादा वर्क नहीं होता। बस यहाँ पे मैंने इसलिए इसको करा क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहता हूँ, और मैं नए वाले घर में नहीं रहता अपने, क्योंकि नया वाला घर यार एक तरह से कुछ ज़रूरी चीज़ भी नहीं है उसमें, ज़रूरी चीज़ सारी मेरी कासल में है। तो देख सकते हो भाई, तीसरी चीज़ फुल एमरल्ड 3 बीकन्स, देख सकते हो यार 3 बीकन है तुम्हारे भाई ने, बहुत मेहनत करी, विदर को मारा यार इतने ज़्यादा, तो उसके लिए लाइक कर दो, बहुत सारी मेहनत तुम्हारे लिए करी, ऊपर से एमरल्ड, तो समझ सकते हो यार। ये एमरल्ड आप सोच रहे होंगे कि कैसे आया, तो भाई मैं आपको बता दूंगा कैसे आया, तो अभी बता देता हूँ। देखो ये इसलिए ऐसे आया क्योंकि जब मैं रेड करवाता हूँ ना, उसके बाद मेरे को एकदम से हीरो ऑफ़ द विलेज मिल जाता है, और हीरो ऑफ़ द विलेज होने के बाद आपको पता ही लग जाता होगा कि रेट कितने कम हो जाते हैं विलेजर्स के, और रेट कम होने से भाई तुम्हें बताइए कि मेरे को 17 उसमें मिल जाते हैं, पेजेस में जो भी कहते हैं उसको, 17 पेजेस में मेरे को एक वो मिल जाता है एमरल्ड। और ये है मेरा सीपी कल फार्म, और ये देख सकते हो कितना काम करता है, और ये जेसी प्लेज की यूट्यूब चैनल पे है, तो भाई उसका चैनल भी चेकआउट करो भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मैंने उसको क्रेडिट दे दिए। तो अगर आपके पास बोन मिल नहीं है उस फार्म के लिए, तो आप एक्सपी फार्म बना सकते हो, तो देख सकते हो आपको आई बटन में मिल जाएगा एक्सपी फार्म का। तो देख सकते हो भाई, मैंने ना ये चेस्ट हाउस मैंने ना बहुत दिन हो गए, मैंने इसको बिल्कुल भी बिल्ड नहीं करा था, क्योंकि यार मेरे को थोड़ा लेजी सा लगता था इसको बिल्ड करने में, तो आखिरकार मैंने बिल्ड कर ही दिया, और मेरे को बिल्कुल भी इंटेंशनली मेरे को इतना मन नहीं करा था कि ये बिल्ड करूं, क्योंकि पहले तो बहुत औसम लगता था भाई ये, पर उसके बाद मेरे को बेकार लगने लग गया, कोई यार बहुत ही बेकार लगने लग गया यार, क्योंकि पहले तो कूल लगता था, पर अब पता नहीं क्यों। और देख सकते हो भाई, यहाँ पे रोशनी इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने नीचे इसके सी वो लैंटर्न्स लगा दिए, और जो कि मैं लाया था अपने सी मोन्यूमेंट जो भी होता है, ओशन मोन्यूमेंट, तो दिखा देता हूँ आपको मैं अभी, पहले कारपेट लगा देता हूँ मैं नीचे की तरफ, यार क्या दिक्कत हो रही है, तो देख सकते हो भाई। और मेरे पास रॉकेट की कमी नहीं होती, वो इसलिए नहीं रहती क्योंकि भाई वहाँ पे मेरा एक एक्सपी फार्म बन रखा है, तो जाके जल्दी से चेकआउट करो एक्सपी फार्म, और मेरा आयरन फार्म भी चेकआउट करो, जो कि है 2 गोलम स्पॉन करने वाला। तो मैंने देखो चिकन फार्म बनाया था कुछ दिन पहले, तो भाई ये वर्क करने लग गया है चिकन फार्म, और बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है, और देख सकते हो भाई 29 वो चिकन्स आ गए यहाँ पे, और ये जल जाते हैं भाई खुद ही। तो भाई वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैपडो लगा रखे हैं, यहाँ से एस्केप नहीं करते चिकन्स, और ये अभी भी वर्क करता है 1.17 में। तो भाई वीडियो को देख लो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और आई बटन में भी आ रहा होगा, आई बटन में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में होगा। और यह है ट्रेजन एंड फिश फार्म, और ये जेसी प्लेस का डिज़ाइन है भाई, तो देख लो जल्दी से जाके।
हम ना यहाँ से कितने भी ट्रेजर्स जैसे कि हम बुक कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी बुक हो सकती हैं, या तो वो फिशिंग रॉड हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें से कलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी फार्म है और ज़्यादा इसके लिए रिसोर्सेज भी नहीं चाहिए आपको, बहुत कम चाहिए रिसोर्सेज। तो भाई जेसी प्लेस की वीडियो देखो भाई, बहुत ही ओपी क्रिएटर है, उसकी वीडियो देखो जाके, वो बता देगा आपको कि कैसे बनाना है। देख सकते हो अब मेरे को यहाँ पे फिश लास्ट में इसको खींचने की भी ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को इस एक बार फिश पे टच करना है, खुद ही वो जैसी मछली आ जाएगी वैसी ही खुद ही हो जाएगी। देख सकते हो नीचे आ गई, रिलीज़ हमको करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये मिल गया मेरे को, कटोरा मिल गया कुछ तो। और 11वीं चीज़ है हमारी कि यार ये आयरन फार्म का मैंने डिज़ाइन चेंज करा, जो दो प्लेटफॉर्म थे ना मैंने उसको एक ही कर दिया, और आपको सिमिलर लगेगा जेसी प्लेस से, पर ये नीचे थोड़ा वो है, अलग बना रखा है मैंने अपने से, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा हॉपर नहीं थे पहले के टाइम पर, तो मैंने इसलिए उसको थोड़ा वो कम कर रखा था, एक ही ऊपर से बना रखा था। देख सकते हो भाई कि क्या ही मस्त लग रहा है ऊपर से। और हाँ भाई, इसमें दो कॉलम स्पॉन होते हैं, इसको इसके लिए भाई दो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल ओपी वर्क करता है, और बिल्कुल भी भाई पुराना नहीं हुआ। और अगर आपको ये वाला फार्म बनाना है तो ये सिमिलर है मेरे वैसे फर्स्ट फार्म से, फर्स्ट वाले पर। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट में एक बार बता देना यार, मैंने गलती से थोड़ा वो कर दिया प्रोनाउंसिएशन, मिस प्रोनाउंसिएशन। तो ये है मेरा नेदर पोर्टल हाउस एंड स्टोरेज, और ये मैंने खुद बनाया है, तो भाई यूँ मत कहना कि किसी यूट्यूबर का देख के बनाया है वीडियो। तो देख सकते हो भाई कितना ओपी लग रहा है, पीछे से भी मैंने इसमें बहुत सारे वो लगा रखे हैं, और भाई बहुत ही मेहनत लगी इसको बनाने में। और मेरे को ज़्यादा इंटेंशनली ये नहीं था ना कि आपके लिए बनाना है, तो मैं खुद ही मज़े में बना रहा था। देख सकते हो भाई मैं मज़े में ऐसी चीज़ें बना दी मैंने। तो ये देख सकते हो भाई मेरा नेदर पोर्टल यहाँ पे है, और मेरे को मतलब ना अपने घर की तरफ ना, मेरे को नेदर पोर्टल मेरे घर के अंदर अच्छा नहीं लगता था, बहुत बेकार लगता था, ऐसा लगता था भाई ये नेदर पोर्टल बहुत जगह घेर रहा है। तो देख सकते हो ये मेरी दोस्त, इसको देखता रहता हूँ मैं बस, और इसके अंदर कोई नहीं जा सकता इसके अंदर भाई, ऑब्वियसली सी बात है यार कि पीछे कोई जगह ही नहीं है। तो अगर इसके अंदर जाओगे आप उछल के, तो आप वहीं पे स्पॉन होगे जहाँ पे होते हो आप ओवरवर्ल्ड से, वहाँ पे नेदर में, तो भाई वहीं पे स्पॉन होगे। देख सकते हो भाई यहाँ पे स्पॉन हो चुका हूँ मैं, और यार ये स्केलेटन पंगे ले रहा है मेरे से, इसको थोड़ा दिखाना ही पड़ेगा कि क्या चीज़ हूँ मैं। तो देख सकते हो भाई ये पंगे लेता रहता है ना मेरे से, उसमें गुस्सा आता है मेरे को। तो देख सकते हो मैं वापस वहीं पे स्पॉन हो जाऊंगा अपने वर्ल्ड में। तो भाई अगर आपने गोल्ड फार्म ऑन कर रखा है तो चांसेस है कि आप गोल्ड फार्म में से भी निकल जाओ, तो उसको ऑफ करके रखा करो। तो अगर मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो देख सकते हो यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो देख सकते हो भाई यहाँ पे स्टोरेज भी है, और बहुत ही अच्छा स्टोरेज है भाई, इसमें कुछ भी रख सकते हो आप। और नीचे कुछ पुरखों की फ़ोटो लगी हुई हैं, उसको देख लो आप, थोड़ा जान लो कि मेरे पुरख कोई क्या वो है। तो देख सकते हो भाई बिल्कुल ऐसे बना रखा है आपके लिए। तो भाई वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी, और मेरा वर्ल्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और भाई डाउनलोड करो, मीडिया फायर का लिंक है भाई, तो जल्दी जाओ मीडिया फायर से डाउनलोड करो जाके, ओपी वर्ल्ड है। तो भाई अब ये 13वां ये क्यों गिनवा रहा हूँ मैं, क्योंकि यार मैंने ये बहुत टाइम लगा है, तो ये भी एक पॉइंट तो बनता ही है ना, तो इसलिए मैंने इसको 13 उसमें कर दिया, रैंक दे दिया। तो भाई मैंने ये पूरा बनाया है अंडरग्राउंड वे, और इसके लिए भाई मेरे को बहुत सारी क्रिम्सन चाहिए होगी, तो भाई उसके लिए भी मेरे को बहुत देर लगी थी क्रिम्सन के लिए, और ऊपर से लगाने भी थे भाई, भाई कम से कम इसके लिए मेरे को चाहिए थी 8 स्टैक तो मेरे को चाहिए थी भाई ये, तो बहुत देर लगी यार मेरे को ये करने में। और आपको बस ऐसे उछलते हुए जाना है तो भाई जल्दी जल्दी पहुँच जाओगे। तो देख सकते हो यहाँ ये रास्ता जाता है आपका वहाँ तक कासल में, तो देख सकते हो भाई ये मैं आ जाऊँगा अपने स्लाइम फार्म के पास में, और मेरे को सामने सामने जाना है, फिर आ जाएगा अपने कासल का वो रास्ता। तो देख सकते हो ये अपने कासल का रास्ता, आगे आगे जाते रहना है, और आ जाऊँगा मैं कासल पे, वापस भी वहीं से जाना है जहाँ से आए थे। तो ये है अपना विलेजर्स टाउन हॉल, और विलेजर टाउन हॉल में ना जब मैंने वो करवाई थी रेड, तो भाई मैंने बहुत सारे विलेजर को वो कर दिए थे मैक्स कर दिए थे, तो उनमें से तो भाई कुछ मर ही गए थे, पता नहीं क्यों मर जाते हैं, आपको पहले बताया था मैंने वीडियो में, पता नहीं क्यों मर जाते हैं। और मैंने जगह भी चेंज कर दी इसकी, ताकि यार मेरे को ये जो विलेजर है ना खुद नहीं सोते थे। तो देख सकते हो मैंने एक ये भी वाला गोल्ड वाला करवा रखा है इसको, विलेजर को तो मैंने 2 मार दी, क्योंकि नल्ले विलेजर मेरे को अच्छे नहीं लगते। देख सकते हो भाई एक एमरल्ड वाला वो है विलेजर, तो भाई इसको मेरे को बहुत देर लगी वो करवाने में, मैक्स आउट करवाने में।
तो देख सकते हो भाई कुछ ना कुछ विलेजर तो मर ही गए, क्योंकि मेरे पास 10 विलेजर थे जो कि वो थे मैक्स थे, और मैंने बहुत सारी रेड करवाई है। और अगर आपको रेड फार्म चाहिए तो भाई मेरे को बता देना, मैं अपने इस वाले वर्ल्ड में रेड फार्म बनाऊँ, या उसके लिए मैं आपके लिए ट्यूटोरियल बनाऊँ अलग से। तो भाई ट्यूटोरियल तो भाई थोड़ा देर में आएगा, अगर आप बनवाने के लिए कहोगे तो भाई बनवा तो मैं आसानी से लूँगा। तो ये आ गया अपना क्रीपर फार्म टू ऑटोमेटिक क्रीपर फार्म। तो मतलब क्या है इसका कि जो क्रीपर फार्म था ना पहले मेरा, वो ऑटोमेटिक नहीं था, तो अब जो हो गया ना वो ऑटोमेटिक है। और अगर बस मेरे को यहाँ से लीवर ऊपर की तरफ कर देना है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा वो होना है AFK, उसके बाद खुद ही क्रीपर्स आ जाएंगे और मरेंगे और मेरे को देंगे गन पाउडर। तो देख सकते हो ये ट्राइडेंट वाला है, ये तो किलिंग चेम्बर बहुत ही आसानी से बन जाएगा आपका। बस आपको चाहिए क्या कि 4 ऑब्जर्वर चाहिए, एक वो चाहिए लीवर, एक 4 रेडस्टोन टॉर्च चाहिए, और 4 पिस्टन चाहिए, और एक ट्राइडेंट चाहिए। तो आपका पूरा बन जाएगा ये, और बाकी की चीज़ों के लिए 1 ग्लास और एक वो चाहिए आपको स्लैब। तो देख सकते हो, और मैं अगर नीचे जाके एक बार चेक करूँगा तो मेरी चेस्ट में थोड़े से वो आ जाएंगे अभी गन पाउडर फार्म वो। तो अगर आपने अले फार्म का वो नहीं देखा भाई ट्यूटोरियल, तो भाई जल्दी से जाके देखो भाई, अभी कुछ दिनों पहले ही बनाया मैंने, कुछ दिनों पहले नहीं मतलब मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो, और बाकी तो यार वो मेरी 1 हफ्ते पहले की वीडियो है। पर भाई अभी भी बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है, और ये मैंने 1.17 में ही रिकॉर्ड करा है, 1.16 वाला नहीं है, क्योंकि मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना भाई, मेरे को भी बहुत खुशी हुई। पर ये बताओ भाई कमेंट में कोई कि मेरे को एमेथिस्ट वो क्यों नहीं मिल रहे, एमेथिस्ट जियोड, अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो भाई कमेंट में बता देना जो भी होता है वो। तो एमेथिस्ट शार्ड वो कैसे मिल सकता है मेरे को भाई, मैं दूर भी जा रहा हूँ तो नहीं मिल रहे, ना ही मैं नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स पे पहुँच पा रहा हूँ, नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट्स पे। तो देख सकते हो भाई मेरे को इतनी सारी चीज़ें मिल चुकी हैं 1 मिनट खड़े होने के बाद। तो भाई बहुत ही ओपी वर्ल्ड टूर है, अगर आपको ये डाउनलोड करना है ये वाला वर्ल्ड तो भाई डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक, तो जल्दी से जाके डाउनलोड करो इस वर्ल्ड को, ओपी वर्ल्ड है। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, और बता देना यार मेरे को कमेंट में कि एमेथिस्ट जियोड कैसे ढूंढते हैं, और अगर आपको कोई फार्म चाहिए तो भाई कमेंट में बताना, और बहुत ही ओपी फार्म बनाता हूँ। और अब मैं बनाऊँगा आपके लिए 1.17 के फार्म्स, और आयरन फार्म अगर आपको चाहिए वो वाला जो मैंने बनाया तो बता देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो चलो